हेलो दोस्तों, अब हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिस चैप्टर का नाम है छंदी। ये आपका नया चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है संधि। ध्यान रखिएगा, संधि ये हमारा नया चैप्टर। और आप जानते हैं जो संधि है, संधि बहुत सरल है। हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो लगभग हम सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे कर लेंगे। जो संधि है आप जानिएगा, इसको जो अंग्रेजी में इसे ज्वाइन कहा जाता है, ज्वाइनिंग संधि है। संधि को, गुड इवनिंग, संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहा जाता है। पहले आप क्रम से एकदम समझिएगा, आराम से संधि को बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखिएगा जो संधि है, संधि जैसा आप जानते हैं कि संधि को अंग्रेजी में कहा क्या जाता है, अंग्रेजी में इसे ज्वाइनिंग कहा जाता है। ज्वाइनिंग का जो अर्थ होता है, ज्वाइनिंग का या कह दीजिए संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मेल, या आप इसे कह सकते हैं जोड़, या इसे आप कह सकते हैं समझौता, या आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे संयोग भी कह सकते हैं। आपसे परीक्षा में एक प्रश्न तो ऐसे ही पूछ लेता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि का शाब्दिक मीनिंग क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप जानिएगा संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, समझौता, संयोग, सब होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ समझौता, संयोग, सब एक दूसरे के पर्यायवाची। आप किसी को बता सकते हैं संधि का मेल, जोड़, समझौता, संयोग, तो क्या है संधि का मेल, संधि का जोड़, संधि का समझौता, संधि का संयोग, तो किस तरीके से, तो मेल जोड़ जो समझौता संयोग। हाँ, आप जब इतिहास पढ़ रहे होंगे देखते तो इसमें किताबों में लिखा रहता है कि एक राजा दूसरे राजा के बीच संधि कर लिए, एक राजा दूसरे राजा के बीच संधि कर लिए, तो संधि का क्या मतलब होता है, संधि का क्या मतलब होता है, संधि का मेल मतलब किसी प्रकार का मार झगड़ा नहीं होता है, बल्कि संधि का मतलब ही होता है जुड़ गए, उन दोनों का आपस में मेल हो गया, उन दोनों का आपस में समझौता हो गया, उन लोगों का आपस में संयोग हो गया। यही मेल और जोड़, यही समझौता संयोग, यही हमारा क्या है, यही हमारा है संधि। कंफर्म हुआ, जैसे इसका अंग्रेजी आप देख सकते हैं संधि का, तो संधि का अंग्रेजी आपको लिखा है ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग लिखा है। तो आप जैसा जानते हैं कि ज्वाइनिंग का मतलब ही क्या होता है, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जुड़ना। तो जो जोड़ होगा, मेल जोड़ समझौता संयोग, जो मेल जोड़ समझौता संयोग होता है, वह मेल जोड़ समझौता संयोग होता किसका है, तो मेल जोड़ जो समझौता संयोग होता है, वह मेल जोड़ समझौता संयोग होता है किसका, वर्णों का, किसका होता है, वर्णों का मेल जोड़ समझौता संयोग होता है। अर्थात हम ये कहें कि हम कहें कि संधि में मेल किसका होता है, संधि में मेल होता है वर्णों का, अर्थात वर्ण और धन वर्ण जब ये जुड़ते हैं, जब वर्ण वर्ण जुड़ते हैं, जब वर्णों का योग होता है, तो वर्ण वर्ण जब जुड़ते हैं तब यही हमारा क्या बनाते हैं, तब ये हमारा बनाते हैं संधि। ये है, जब वर्ण वर्ण जुड़ते हैं तब हमारा क्या बना देते हैं, तब हमें बनाते हैं ये संधि बनाते हैं। या आप कह सकते हैं जब ध्वनि, ध्वनि प्लस ध्वनि, ये ध्वनि प्लस ध्वनि जुड़ता है, तो ध्वनि प्लस ध्वनि जब जुड़ता है तब हमारा आप क्या बना देता है, तब हमारा बना देता है संधि। या आप कह सकते हैं कि जब अक्षर प्लस अक्षर जुड़ता है तब हमारा ये क्या बना देते हैं, तब ये हमारा बनाते हैं संधि। तो इस बात को आप जानतीयेगा कि वर्णों का मेल होता है संधि में, वर्ण वर्ण जुड़ते हैं बराबर बना दिए संधि। या आप कह सकते ध्वनि से ध्वनि जुड़ा बना दिए संधि, या आप कहते अक्षर से अक्षर का मेल हुआ बन गया हमारा क्या, संधि बन गया। तो इस तरीके से आप जानिएगा वर्णों का वर्ण का वर्ण मेल होगा, या अक्षर का अक्षर मेल होगा, ध्वनि का ध्वनि मेल होगा। तो इस प्रकार से कोई भी पोजीशन होता है तो वहां पे हमारा संधि क्या होता है, संधि होता है। जैसे देखिए हम आपको एक अक्षर शब्द लिखते हैं विद्यालय, हमने विद्यालय लिखा
तुमने दो भागों में इसको तोड़ दिया, जब इन्हें दो भागों में इसको तोड़ेंगे, दो भागों में इसका विच्छेद करेंगे, जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा विद्या और प्लस क्या हुआ आलय, ये हमारा रहा विद्या और प्लस हमारा क्या रहा आलय। अब इसके दो भागों में जब हम इसे तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे तो ये क्या हुआ विद्या प्लस आलय हुआ, तो विद्या में देखिए क्या लगा है आ, विद्या में क्या लगा है आ और प्लस आलय में क्या लगा हुआ है आ, तो ये दोनों मिल करके हमारा क्या बना देते हैं बड़ा आ बना देते हैं। तो विद्यालय में जब मैंने संधि तोड़ा, संधि विच्छेद किया विद्यालय का, तो मेरा मिला विद्या और मिला क्या आलय, विद्यालय मिला। अब विद्या का इसमें मेल किसका हुआ, अगर आपको दर्शाया जाए इसमें मेल किसका हुआ, तो विद्या का आमेल हुआ और आलय का मेल हमारा क्या हुआ आमेल हुआ। तो इस प्रकार से हमारा दोनों मिल करके परिवर्तन बना दिए, परिवर्तन क्या हुआ आ का परिवर्तन हुआ, कन्फर्म हुआ। अगर हमें इस परिभाषा देना हो, हमें यदि परिभाषा देना हो संधि की, परिभाषा देना हो कि संधि किसे कहा जाता है, संधि किसे कहा जाता है, तब आप आराम से बताइएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं, क्या कहते हैं संधि कहते हैं। तो आप फिर समझिएगा जब भी आपको संधि को परिभाषित करना हो, संधि की क्या परिभाषा बनेगी, बिल्कुल जब भी आपको संधि की परिभाषा देना हो संधि किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा संधि किसे कहा जाता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उस विकार और परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं, कन्फर्म हुआ। उस विकार और परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है संधि कहलाता है, कन्फर्म हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं कि संधि के प्रकार को देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्या क्या है। तो संधि पे ध्यान रखिएगा, जो संधि है यह संधि हमारा कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो हमारी होती है यह संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। इन सारे संधियों को देखिएगा, जो पहली संधि है इसका नाम है स्वर संधि, स्वर संधि। जो दूसरी संधि है, इस दूसरी संधि का नाम क्या है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है, हल संधि। जो तीसरी संधि है इस संधि का क्या नाम है, इस संधि को कहा जाता है विसर्ग संधि, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो संधि है, जो संधि है, आपसे पीसीएस में भी अभी हाल ही में एक प्रश्न आपसे पूछा था पीसीएस में भी कि संधि जो है वह कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब से प्रश्न में पूछा जाए कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप बताइएगा जो संधि है इसके तीन भेद हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं, ये आपका पहला जो भेद है इसका नाम है स्वर संधि, जो दूसरा नाम है इस संधि का नाम है व्यंजन संधि, और जो तीसरा है इस संधि का जो है वह विसर्ग संधि है, कन्फर्म हुआ। तो संधि के कितने भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, और जो तीसरी संधि है इस संधि का नाम है विसर्ग संधि, कन्फर्म हुआ। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि संधियों के भेद कितने हैं, तो संधि के भेद तीन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के भेद हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्वर संधि क्या है, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के संबंध में समझिएगा स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो स्वर संधि होता है जहां पे स्वरों का मेल हो, या आप यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, वो हमारा संधि होता है। अब इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो स्वर संधि होता है इसमें मेल किसका होता है, स्वरों का। किसी भी शब्द को ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ दिया जाए, किसी भी शब्द का विच्छेद कर दिया जाए, विच्छेद करने के बाद ये प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर हो, दोनों स्वर हो, तो वहाँ पे संधि कौन सी होती है, वहाँ पे संधि होती है स्वर संधि। जैसे हम आपको लिख दिया हिमालय, जैसे मैं हम आपको लिखते हैं हिमालय, अब आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है,
तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, इसमें संधि कौन सी है, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको पहले आप तोड़ दीजिए। जब आप इसे तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, ये क्या होगा हिम और दूसरा क्या होगा आपका आलय। तो ये दो भागों में तोड़ दीजिए, हिम का इसमें क्या लगा, हिम में आपका स्वर कौन सा लगा है, हिम में आपका स्वर लगा है अ, कौन सा स्वर लगा है अ लगा हुआ है, और धन आलय में आपका स्वर लगा हुआ है आ। तो अ और आ, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आ, तो अ और आ दोनों स्वरों का मेल हो रहा है, दोनों स्वरों का मेल होने के कारण ही इसे हम संधि कौन सी कहते हैं, इसको नाम देते हैं स्वर संधि। कन्फर्म हुआ, तो एक बार फिर से समझिएगा, स्वर संधि किसे कहा जाता है, तो कि जहाँ किसी भी शब्द को दो भागों में विच्छेद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तोड़ने के बाद प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर हो। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ मिला, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आपको क्या मिला, आ मिला, तो अ और आ ये दोनों स्वर हैं। इस प्रकार से जो हमारी संधि है वो संधि कौन सी होगी, स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, वही परिभाषा इसकी भी है, थोड़ा सा सेंटेंस बदला हुआ है। सेंटेंस क्या बदला हुआ है, इसका भी है किसी भी शब्द का विच्छेद किया जाए, किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वह संधि कौन सी होगी, तो वह संधि हमारी होती है व्यंजन संधि। जैसे देखिए, जैसे मैं लिख दिया सज्जन, सज्जन लिखा, अब आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है, आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा होगा सत और प्लस क्या रहा, जन, स्वत धन जन। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, स्वर होगा चाहे व्यंजन होगा, जो भी कंडीशन होगा, हमें कहने का मतलब है व्यंजन संधि में मेल किसका हो, पहले स्वर हो, इसके बाद चाहे स्वर आए या आपका क्या आए व्यंजन आए, चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, कुछ भी आ सकता है, स्वर आए या व्यंजन आए, वहां पे जो संधि होती है, वहां पे संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। तो किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के पश्चात प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, व्यंजन कैसे पहचानेंगे, कहलंत लगा होगा आपका, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे स्वर हो या चाहे व्यंजन हो, वहां पे कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पे संधि कौन सी, तो वहां पे संधि है हमारा जो है व्यंजन संधि। कर्पण हुआ, अगला देखिएगा, अगली जो आपकी संधि है, इस संधि का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, तो विसर्ग संधि होता है किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ दीजिए, कोई भी शब्द हो उसका दो भागों में तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, विसर्ग होगा, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो जो भी हो, वहां पे संधि जो होती है, वहां पे संधि होती है विसर्ग संधि। जैसे देखिए मैं आपको लिख दिया मनोज, अब मैं मनोज लिखा, अब आपसे पूछा जाए बताओ मनोज में कौन सी संधि है, मनोज में कौन सी संधि है, तब आप क्या करेंगे, तो आप इसे करेंगे दो भागों में इसे तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, मनह और प्लस क्या हुआ, ज। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर देखिए क्या है, यहाँ पे लगा हुआ क्या लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग लगा हुआ है, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर पे विसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार से ये संधि कौन सी रही, तो ये संधि रही हमारी विसर्ग संधि। कन्फर्म हुआ कौन सी संधि, तो हमारी संधि जो रही उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। कन्फर्म हुआ, आगे देखिएगा, अगला जो आपका है इसके प्रकार देखिएगा, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के पांच भेद हैं। देखिएगा जो पहला भेद है, इस संधि का नाम है दीर्घ संधि, जो दूसरी संधि है, इस संधि का नाम है गुण संधि, जो तीसरी संधि है, इस संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जो चौथा संधि है, इस संधि का नाम है यण संधि, जो पांचवी संधि है, इस पांचवें संधि का नाम है अयाद संधि,
आयाद संधि, ये संधि के भेद हैं। आप जानिएगा जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। आपसे प्रश्न पूछा था इस बार, पीसीएस में प्रश्न पूछ लिया था ऐसे ही कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। जो पहला भेद है इसका नाम क्या है, इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है जो अगली संधि है, इस संधि का नाम है गुण संधि। इसके बाद जो तीसरी संधि है, इस संधि का नाम है वृद्ध संधि। जो चौथा है इसका नाम का यण संधि। जो पांचवी संधि है इसका नाम है आपको अयाद संधि। पांचवी जो संधि है, इस पांचवें संधि का नाम है अयाद संधि। कन्फर्म हुआ? तो आपसे पूछा जाए संधि, संधि के कितने भेद, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और जो पांचवी संधि है, इस पांचवी संधि का नाम है अयाद संधि। कन्फर्म हुआ? जो पांचवी संधि है, पांचवें संधि का क्या नाम है, तो पांचवें संधि का नाम है अयाद संधि। कन्फर्म हुआ? चलिए अब बारी बारी से हम एक एक संधि का अध्ययन करते हैं। पहले हम स्वर संधि में देखते हैं, स्वर संधि में देखते हैं तो स्वर संधि का एक भेद है, पहला भेद है, उसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि को ध्यान पूर्वक देखिए, दीर्घ संधि कहा किसे जाता है, तो दीर्घ संधि को ध्यान रखिएगा। जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, अ हो या आ हो, प्लस दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अ हो या आ हो। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ हो या आ हो, दूसरे का अ हो या आ हो, ये मिल करके हमारा बना देते हैं बड़ा आ। कन्फर्म हुआ? कोई भी शब्द होगा उसको दो भागों में तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद प्रथम शब्द का अ अंतिम अक्षर अ और आ हो और दूसरे का प्रथम अक्षर अ और आ हो, तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं दीर्घ आ। क्या बना देते हैं, दीर्घ आ बना देते हैं। और ये संधि कौन सा है आपका, दीर्घ संधि। जो दूसरा जो नियम है आपका, छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ होता है तो परिवर्तन में ये हमारा क्या हो जाता है, ये परिवर्तन में हमारा हो जाता है बड़ी ई। कन्फर्म हुआ? परिवर्तन में हमारा हो जाता है बड़ी ई। अगला जो है इसका, इसी का नियम है कि छोटा ऊ का मेल यदि बड़ा ऊ के साथ प्लस छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो इसको ध्यान को देखिएगा, इस संधि को ध्यान से देखिएगा। ये कहते हैं अ और आ हो, किसी भी शब्द का अ और आ कोई एक हो, का मेल अ या आ के कोई हो, एक कोई एक हो, इसका अगर मेल होता है तो परिवर्तन में हमारा हो जाता है बड़ा आ। अगला है छोटी ई और बड़ी ई का मेल, छोटी ई या बड़ी ई कोई एक हो, इसका मेल होता है तो यहाँ पे जो होता है ये कौन सा हो जाता है आपका, बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी एक के साथ होता है तो यहाँ पे जो होता है परिवर्तन में होगा, वो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक इसमें बता दें, ट्रिक हम आपको बता दें कि दीर्घ संधि आप कैसे पहचान लेंगे कि दीर्घ संधि है। देखिए जो पहचान है, इस पहचान होता है कि शब्दों के बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। यदि शब्दों के बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा अगर कोई भी आपको शब्दों के बीच में आपको दिखाई देता है तो वहाँ पे हम क्या समझ लेते हैं, हम वहाँ पे समझ लेंगे कि जो संधि है वह संधि कौन सी है आपकी, तो वहाँ पे संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ संधि है। कन्फर्म हुआ? जैसे हम आपको कुछ शब्द लिख करके दिखा दे रहे हैं, देखिए आपको लिखा है परमार्थ, परमार्थ लिखा है, पूछा धर्मार्थ लिखा है, आगे लिखा है आपका स्वार्थी लिखा है, आगे लिखा है देवार्चन, ये कुछ शब्द लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें संधि कौन सी है, अभी तो आपको न तोड़ना आता है
ना तो जोड़ना आता, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखिएगा मैंने आपको ट्रिक बता दिया, तो मैंने ट्रिक में बताया कि कोई भी शब्द हो उसके शब्द में यदि बड़ा की मात्रा आपको दिखाई दे दे, बड़ी की मात्रा दिखाई दे दे और बड़ाऊ की मात्रा, कोई एक मात्रा यदि आपको दिखाई दे देता है तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि संधि कौन सी होगी। तो निश्चित रूप से आप समझिएगा जो संधि होगी वह संधि कौन सी होगी, वो संधि आपकी होगी दीर्घ संधि। देखिए शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा। तो शब्दों के बीच में यदि बड़ा की मात्रा आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप वहां पे क्या समझेंगे, आप वहां पे समझेंगे कि जो संधि होगी वह कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। कन्फर्म हुआ। जैसे अब इसे तोड़ा जाएगा तो ये क्या रहा आपका परम, जहां पे आपका बड़ा मात्रा लगा है शब्द वहीं से ये टूटता है और वहीं से जुड़ता है। देखिए परम और धन क्या है, अर्थ। हम एक चीज आपको बता दें कि इसका जो संधि विच्छेद करेंगे ये क्या होगा, परम, और इसका क्या होगा, अर्थ। अगर आपको दिखाया जाए इसमें किसका किसका मेल हुआ है तो परम का, यहाँ की परम का अ, परम का अ और इसका क्या मिला अ, और परिवर्तन में आप दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देगा। कल्पना हुआ। तो इस बात को आप जानिएगा इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो परम और धन अर्थ। हम आपको ये भी बता दें जो संधि है, संधि संस्कृत का शब्द है, संधि जो है ये किसका शब्द है, ये शब्द है आपका संस्कृत का शब्द है, और जो संधि होती है वो तत्सम शब्दों में संधि होती है। संधि जो है तत्सम शब्दों में ही होती है, इस बात को भी आप जानिएगा जो संधि होती है ये तत्सम शब्दों में ही होती है संधि। जैसे धर्मार्थ लिखा है, देखिए बड़ा की मात्रा हमने बताया कि आप ट्रिक देख लीजिएगा, शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा आपको लगा हुआ मिला तो ये देखिए बड़ा की मात्रा आपको लगा हुआ मिले, आप बताइएगा इसमें संधि कौन से होगा, तो आप यहाँ बड़ा की मात्रा जहाँ पर लगा हुआ है ये वहीं से टूटेगा, वहीं से टूटेगा, इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा धर्म और धन, यहाँ देखिए क्या होगा अर्थ, धर्मार्थ, अर्ध, धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। तो आगे देखेंगे तो क्या होगा स्व और धन क्या होगा आपका अर्थी, आगे क्या होगा, आगे होगा देव और धन क्या होगा अर्चन। कन्फर्म हुआ। तो इस प्रकार से आप देखिएगा धर्मार्थ नहीं है, धर्मार्थ है, गलत हो गया है भाई, धर्मार्थ है, धर्मार्थ यहाँ शब्द में लिखने में गलत हो गया है, क्योंकि धर्मार्थ तो धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। तो इस तरीके से अगर मेल दिखाया जाए तो ये मेल आपका अ अ और यहाँ पर देखिए अ, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ा आ। अब देखिए अगर हम इसे देखा जाए जो देवार्चन लिखा है इसे हम ऐसा भी तोड़ सकते हैं, इसे लिख सकते हैं देवा, देवा धन अर्चन लिख भी लिख सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि देवा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसका जो अर्थ टूटेगा वह होगा देव और प्लस क्या होगा अर्चन होगा। कन्फर्म हुआ। देव और प्लस क्या होगा अर्चन होगा। इस प्रकार से इसमें संधि जो है, संधि कौन सी है, तो संधि है आपकी दीर्घ संधि है। कन्फर्म हुआ। आगे मैं इसी का कहेंगे, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मतानुसार, शब्द लिखा हुआ है आपका देवालय, शब्द लिखा है आपका शिवालय। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा निम्न में कौन सी संधि है, ध्यान से देखिएगा, आपसे लिखा हो मतानुसार लिखा है देवालय, आगे भी लिखा है आपका शिवालय, आपसे पूछा गया बताइए निम्न में से कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा जो संधि होगी आप इसे तोड़ेंगे, हमने बताया कि शब्दों के बीच में मात्रा आपको क्या मिलेगा, बड़ा, यदि शब्दों के बीच में मात्रा बड़ा आका दिखाई दे रहा है तो वहां पर संधि कौन सी होगी, वहां पर संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। तो ये आपका क्या होगा मत और प्लस क्या होगा आपका अनुस्वार, मत और प्लस अनुस्वार। इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा देव और प्लस क्या होगा आपका आलय, ये तोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा शिव और प्लस क्या होगा आलय। तो शिव माने शिव, आलय माने घर, तो शिव का घर शिव वालय। कन्फर्म हुआ। आगे भी हम इस तरीके से कुछ शब्दों पर विचार करते हैं, जैसे आपको कुछ शब्द लिखा हुआ मैं थोड़ा टेक्निक टाइप के जो परीक्षाओं में पूछा गया है मैं उन सारे शब्दों को लिखता हूं। जैसे इन्होंने एक सत्याग्रह, सत्याग्रह लिख दिया। अब सत्याग्रह में पूछा जाएगा कि निम्न में बताइएगा सत्याग्रह में कौन सा है, कौन सी सत्याग्रह में आपका कौन सी संज्ञा है,
तो आप इसको देखिएगा सत्याग्रह, अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे। हमने पहले तो आपका ट्रिक बता दिया जाए कि ट्रिक को आप देखिएगा कि शब्दों के बीच में यदि आपको बड़ा की मात्रा लिखा हुआ मिलता है, शब्दों के बीच में बड़ा मात्रा लिखता है लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आप इस चीज को देख करके आप बता दीजिएगा कि संधि कौन सी है। तो संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। तो आप देखिएगा जब इसे तोड़ेंगे, सत्याग्रह को तोड़ेंगे, ये हमारा होगा सत्य सत्य और प्लस क्या होगा आपका? आग्रह। कन्फर्म हुआ? सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे आपको लिख दिया जाए शब्द कविंद्र, जैसे आपको लिख दिया जाए शब्द लिख दिया जाए कविंद्र, जैसे शब्द लिख दिया जाए रविंद्र, जैसे शब्द लिख दिया जाए मुनिंद्र। अब देखिए कविंद्र लिख दिया, मुनिंद्र लिख दिया, रविंद्र लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछेगा बताओ निम्न में से कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि कौन सी है और साथ ही साथ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप इस चीज को विचार करके लिखिएगा। जो कविंद्र है हमने बताया शब्दों के बीच में बड़ी एक मात्रा, देखो शब्दों के बीच में बड़ी एक मात्रा, तो आप शब्दों के बीच में बड़ी एक मात्रा है तो आप इसे देख करके बता सकते हैं कि कौन सा होगा। तो आप इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा जहाँ पे बड़ी एक मात्रा लगी होती है शब्दों के बीच में, कहीं भी बड़ी एक मात्रा आपको दिखाई दे दे आप जान जाइए संधि कौन सी है। संधि हमारी दीर्घ संधि है। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा? कवि। देखिए शब्द को हमेशा सार्थक ही तोड़ना है, यदि आप सार्थक नहीं तोड़ते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा कवि और प्लस हमारा क्या रहा? इंद्र। अब ध्यान रखिएगा इंद्र में जो होता है ये हमारी छोटी ई होती है, चलिए ऐसे लिख रहे छोटी ई रहती है। अब इसे तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? रवि और प्लस क्या होगा? इंद्र। जिसे तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा? मुनि और प्लस हमारा क्या होगा? इंद्र होगा। तो रविंद्र होगा। तो बड़ी की मात्रा है, देखिए अब इसमें अगर मेल कराया जाए कौन सा मेल है, तो इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बना देती हैं? बड़ी बना देती हैं। तो हमने आपको सीधा टाटकट तरीका बता दिया कि आपको पकड़ेंगे कैसे। तो आप सीधा पकड़ सकते हैं कि शब्दों के बीच में यदि बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और बड़ा आ का मात्रा, ये तीनों कोई भी दिखाई देते हैं तीनों में से, तो आप बता देंगे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। कन्फर्म होगा? जैसे मैं आपको कुछ और उदाहरण इसके लिख के बताता हूँ, मैं इसके कुछ और उदाहरण आपको देखता हूँ। जैसे आपको लिख दिया जाए लक्ष्मीच्छा, शब्द लिख दिया लक्ष्मीच्छा। आप लोग भी जो हमारे ऑनलाइन दोस्त पढ़ रहे हैं जरा वो भी स्पीक करते रहे। जैसे लिखा है नारीश्वर, लिख दिया गया नारीश्वर, कि नारीश्वर में कौन सा होगा? जैसे लिख दिया आपको ये योगिंद्र, योगिंद्र लिख दिया योगिंद्र। अब आपको तोड़ना होगा कि क्या होगा योगिंद्र में कौन सी संधि होगी। संधि देखिए लिखा है लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा लिख दिया है, नीचे लिखा है नारीश्वर, नारीश्वर लिख दिया है, आगे लिख दिया आपका योगिंद्र, योगिंद्र भी लिख दिया है। पूछ रहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, तो विच्छेद आप बाद में करिएगा। तो आप हमने बताया कि शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा, शब्दों के बीच में बड़ी की मात्रा। तो आपने बताया सीधा सीधा शॉर्टकट तरीका कि शब्दों के बीच में यदि बड़ी की मात्रा लगा हुआ मिलता है तो आप वहाँ बताएंगे कि संधि कौन सी होगी। तो संधि कौन सा होगा? तो इसमें संधि कौन सा होगा? दीर्घ संधि। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? लक्ष्मी, लक्ष्मी और प्लस क्या है? इच्छा। देखिए इच्छा में छोटी ई रहती है, अगर आप यही बड़ी कर देंगे तो ये संधि हमारी क्या हो जाएगी? ये संधि हमारी गलत हो जाएगी। तीसरी हमारी इसमें इच्छा में कौन सी होती है? छोटी। इसका अगर मेल देखा जाए तो बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ हो रहा है, तीसरी परिवर्तन में हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। अब इसे तोड़ेंगे ये हमारा क्या होगा? नारी होता है। अब इसे नारी अगर कर देंगे तो ये भी अब संधि के नियम से टूट रहा है, लेकिन सार्थक खंडों में नहीं टूटेगा। सार्थक खंडों में टूटने के ना करने कारण ये हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। कि ये हमारा रहा नारी और प्लस हमारा क्या रहा? ईश्वर। अब ईश्वर में बड़ी ई होता है, अगर इसका मेल दिखाया जाए कि मेल क्या है, तो आप बताइएगा बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ हो रहा है, तो परिवर्तन में हमारा क्या हो जा रहा है? बड़ी ई हो जा रहा है। परिवर्तन में हमारा क्या हो जा रहा है? बड़ी ई हो जा रहा है। आगे देखा योगिंद्र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? योगी, योगी
और प्लस हमारा क्या होगा योगी, प्लस हमारा क्या हुआ इंद्र। अब इसका अगर मेल दिखाया जाए तो इसका मेल बड़ी ई मेल और बड़ी ई के बाद छोटी ई का मेल हुआ है, तो परिवर्तन में हमारा क्या हो गया है बड़ी ई हो गया है। कर्पण हुआ, तो ये हमारी दूसरी विधा। हम तीसरे पे देखते हैं, हमने अ और आ का मेल मैंने देखा, अब मैंने छोटी ई बड़ी ई का मेल देखा, अब जरा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल देखते हैं। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल में आप माँ बाप को दिखा दें, जैसे शब्द लिख दिया जाए आपको भानुदय, भानुदय ये, अब भानुदय आपको लिख दिया गया, आपसे पूछा जाए बताइए भानुदय में संधि कौन सी है, भानुदय में संधि कौन सी है, तो आप मैंने बताया कि शब्दों के बीच में देखिए बड़ा उपमात्रा, आप शब्दों के बीच में बड़ा उपमात्रा देख करके आप यहाँ बता सकते हैं कि संधि कौन सी होगी, तो संधि आपका क्या होगा दीर्घ संधि। अब इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, अगर भानु लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि ये इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है भान, भान और प्लस हमारा क्या हुआ उदय। हमने बताया कि इसका अगर मेल दिखाया जाए तो छोटा ऊ और छोटा ऊ ये परिवर्तन में हमारा क्या बन जाएगा, परिवर्तन में हमारा बन जाएगा बड़ा ऊ। कर्पण हुआ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये परिवर्तन में मिल करके, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये परिवर्तन में मिल करके ये मेरा बना क्या देंगे बड़ा ऊ बना देंगे। ये संधि का कौन सा कार्य किया, तो ये संधि हमारा कौन सा है आपका दीर्घ संधि। कर्पण हुआ, हम जरा कुछ और शब्दों पे चलते हैं कि और शब्द इसके कौन कौन से हैं। जैसे आपका धातुष्मा, जैसे आपका लघुर्मी, धातुष्मा लघुर्मी, जैसे आपको लिखा है साधुर्जा, साधुर्जा। आपसे पूछा जाए कि बताओ निम्न में से कौन सी संधि है, देखिए शब्द में यहां पर लिखा हुआ है धातुष्मा, धातुष्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लघुर्मी, यहाँ पे आपको लिखा है साधुर्जा। आपसे पूछा गया लघुर्मी साधुर्जा निम्न में कौन सी संधि है, देखिए बड़ा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, और बड़ा उपमात्रा ही आप देख करके बता दीजिएगा संधि कौन सी होगा, तो संधि यहाँ पे कौन सी होगी आपकी दीर्घ संधि होगा, कौन सा होगा दीर्घ संधि होगा। कि हमने बताया कि शब्दों के बीच में बड़ा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, बड़ी उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा, तो यहाँ पे देखिए बड़ा उपमात्रा है, बड़ा उपमात्रा देख करके हमने बता दिया कि संधि कौन सा है, संधि हमारा कौन सा है दीर्घ संधि। कन्फर्म हुआ, अब देखिएगा जो धातुष्मा है, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा धातु, धातु और प्लस फिर क्या होगा हमारा उष्मा। अब इस बात को ध्यान रखना है कि उष्मा में हमेशा बड़ा ऊ होता है, यदि हम छोटा ऊ लिख देते हैं, छोटा ऊ लिख देंगे उष्मा अगर लिख देते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, उष्मा में हमारा होगा जो वो बड़ा ऊ होगा, इसलिए ये मेरा गलत होगा। तो इसका अगर मेल दिया जाए तो छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ का मेल हुआ है, ये परिवर्तन में हमारा क्या हो गया बड़ा ऊ। आगे देखिएगा लघुर्मी क्या होगा, तो ये हमारा रहा लघु और प्लस क्या रहा उर्मी, उर्मी का मतलब होता है किरण लहर। साधु ऊर्जा तो क्या होगा साधु, साधु और प्लस हमारा क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा ऊर्जा। कन्फर्म हुआ, इस प्रकार से हमारा ये रहा साधु ऊर्जा, साधु प्लस ऊर्जा, धातु उष्मा, धातु प्लस उष्मा। एक और ऑप्शन जरा इसको देखिएगा, वधुत्सव लिखा है, वधुत्सव। अब आपको वधुत्सव में पूछा जाएगा वधुत्सव में कौन सी संधि होगी, वधुत्सव में कौन सी संधि होगी, तो वधुत्सव में संधि होगा देखिए शब्दों के बीच में छोटा उपमात्रा, शब्दों के बीच में बड़ा उपमात्रा, अगर आपको दिखाया तो शब्दों के बीच में बड़ा उपमात्रा ही, यही देख करके ही आप बता दीजिएगा संधि कौन सा होगा, संधि जो होगी वो संधि आप कौन सी होगी दीर्घ संधि। कन्फर्म हुआ, तो दीर्घ संधि है, तब इसे जब तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा वधु। देखिए वधु करेंगे तो गलत हो जाएगा, छोटा उपमात्रा लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वधु हमारा शब्द नहीं है, जो उत्सव के साथ आने वाला शब्द है वह वधु शब्द नहीं है, अगर वधु शब्द हम लिखते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा रहा वधु प्लस, प्लस क्या रहा उत्सव, उत्सव में छोटा ऊ रहता है तो ये हमारा क्या रहा उत्सव, तो ये वधुत्सव क्या होगा वधु और प्लस क्या होगा उत्सव होगा। कर्पण हुआ,
हम साथ ही साथ अपने अगले टर्म चलते हैं, अगला पद पे, जो दूसरी हमारी संधि है उस संधि का नाम है गुण संधि। जो अगली संधि है उस संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि, जो अगली संधि है, अगले संधि का जो हमारा नाम है उस संधि का नाम है गुण संधि। और गुण संधि कहा किसे जाता है? गुण संधि कहता है कि यदि छोटा अ और बड़ा आ का मेल, इन छोटा अ हो या बड़ा आ हो, इसका मेल यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ होगा तो ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिवर्तन में ए हो जाएगा। और कहते हैं कि यदि अ और आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होता है तो ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा। यार अगले भी कहते हैं कि यदि अ और आ का मेल ऋषि वाले री के साथ होगा तो ये परिवर्तन में हमारा क्या हो जाएगा? आर में बदल जाएगा। कन्फर्म हुआ? इस संधि को ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है इस संधि कौन सी है, इसमें संधि कौन सा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि गुण संधि जो है, गुण संधि क्या कहता है, गुण संधि का क्या नियम बनता है। गुण संधि का नियम बनता है कि यदि छोटा अ और बड़ा आ कोई एक हो, इसका मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ होगा तो परिवर्तन में हमारा क्या हो जाएगा? ए में बदल जाएगा। और अ और आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा तो ये परिवर्तन में हमारा ओ में बदल जाएगा। यदि छोटा अ या बड़ा आ का मेल ऋषि वाले री के साथ होगा तो ये हमारा परिवर्तन में क्या बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। हम आपको इसका ट्रिक बता दें, इस संधि का हम आपको ट्रिक बता दें, इस संधि के ट्रिक को ध्यान से आप देखिएगा, इस संधि को ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। इस संधि का जो ट्रिक है इसका है कि शब्दों के बीच में, हम इसका यहां पर लिख दे रहे हैं कि शब्दों के बीच में आपको ए की मात्रा लिखा हुआ मिल जाए या ओ की मात्रा लिखा हुआ मिल जाए या अर का उच्चारण हो, इसमें से कोई एक कंडीशन यदि आपको मिल जाती है ए की मात्रा, जैसे हमें आपको दिखा दें, जैसे आपको लिख दिया रमेश लिख दिया, अब पूछा बताइए रमेश में कौन सी संधि है। देखिए जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक 100% नहीं है, ये लगभग 90% जो प्रश्नों पे ये ट्रिक आपको बैठ जाती है सीधा सीधा, मैं आपको दिखाता रहूंगा अभी। तो आप देखिए, जैसे आपको लिखा है रमेश यहाँ पर लिखा है, अब रमेश में पूछा जाए कि बताइए रमेश में कौन सी संधि है, रमेश में संधि कौन सी है, तो आप देखिएगा कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं है संधि तोड़ना भी नहीं मालूम है आपको, केवल ऐसे लिखा हुआ रमेश में संधि कौन सी होगा तो आप ए की मात्रा देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी है। ए की मात्रा, केवल ए की मात्रा को देख करके आप ये बता सकते हैं इसमें संधि कौन सी है, तो निश्चित रूप से इसमें संधि कौन सी है तो गुण संधि है। कन्फर्म हुआ? बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अब इसे तोड़ा जाएगा, जब देखिए ए की मात्रा है तो ये हमेशा छोटा आ या बड़ा आ, छोटी या बड़ी में टूटेगा, इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा? रमा, और प्लस क्या होगा? इस, हमने बताया कि ये जब भी टूटता है ये हमेशा सार्थक खंडों में टूटता है, तो रमा देखिए लक्ष्मी है और उनके ईस माने भगवान, ये हमेशा जब भी टूटेगा तो हमेशा सार्थक खंडों में टूटेगा। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसका मेल देखिए क्या है, इसका मेल आ और बड़ी ई का मेल है, ये मिलकर के हमारा क्या बना दिए? ए, आ के बाद ई आया, परिवर्तन में क्या हो गया? ए हो गया। कन्फर्म हुआ? आगे भी मैं इस चीज़ को बता सकता था, लेकिन हम आगे आपको बता दें, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये रम भी हम लिख सकते थे, रम और प्लस ईस, तब भी हमारा ये नियम काम करता कि अ के बाद आपका बड़ी ई आया तब भी परिवर्तन में हमारा क्या होगा? तब भी परिवर्तन में हमारा ए होगा, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि रम का जो सार्थक अर्थ नहीं है, रम का सार्थक अर्थ न होने के कारण ये संधि हमारी गलत होगी, इसलिए इसका जो सही संधि विच्छेद है होगा रमा और प्लस क्या होगा? ईश होगा। कन्फर्म होगा? चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ प्रश्नों पे इसका अभ्यास करवाते हैं, आपको बताते हैं कि संधि किस प्रकार से, कैसी संधि, कैसे होगा। तो इन सारे संधियों पर आप थोड़ा ध्यान पूर्वक लिखिएगा, जैसे लिख दिया देवेंद्र, ध्यान से देखिएगा, लिखा है देवेंद्र लिखा है, आपसे पूछा जाए देवेंद्र में संधि कौन सी है, तो शब्दों के बीच में मात्रा देखिए कौन सा है? ए की मात्रा। जैसे आपको लिख दिया जाए नरेंद्र, आपको लिख दिया गया नरेंद्र,
अब नरेंद्र में पूछा जाएगा कि नरेंद्र में कौन सी संधि है, जैसे लिख दिया जाए सुरेंद्र, सुरेंद्र नाम में आपको लिख दिया, चलिए सुरेंद्र। आपसे पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है, शब्द लिखा है देवेंद्र, शब्द लिखा हुआ है आपका नरेंद्र, शब्द लिखा है आपका सुरेंद्र। आपसे पूछा जाए तो कौन सी संधि होगी, तो आप इस ध्यान से देखिएगा, हमने बताया कि शब्दों के बीच में आपको एक ही मात्रा देखिए, आप जान गए संधि कौन सी होगा, गुण संधि। एक ही मात्रा देखिए गुण संधि, एक ही मात्रा देखिए तो गुण संधि। अब ये एक ही मात्रा, ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी में टूटेगा, ये हमारा क्या होगा देव और प्लस क्या होगा इंद्र, ये हमारा क्या होगा नर और प्लस क्या होगा इंद्र, ये एक तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा सूर और प्लस क्या होगा इंद्र। तो ये हमारी संधि रही, नर प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र, कन्फर्म हुआ। आगे मैं आपको दिखाता हूं और संधियों पे कौन सी संधि होगी, तो आप ध्यान देंगे, जैसे आप लिख दिया गया नरेश, शब्द लिखा है नरेश, नरेश में कौन सी संधि होगी, जैसे लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर आपको लिखा है, परमेश्वर में कौन सी संधि होगा, जैसे आपको लिखा है कमलेश में कौन सी संधि होगी, कमलेश में कौन सी संधि होगी, जैसे आपको लिख दिया जाए महेश में कौन सी संधि होगी, महेश में कौन सी संधि होगा, जैसे राकेश लिख दिया जाए कि राकेश में कौन सी संधि होगी, राकेश, तो राकेश में कौन सी संधि। अब देखिए ध्यान से, यहां पे सब शब्द लिखा है, यहां पे शब्द लिखा हुआ है नरेश, बिल्कुल शब्द लिखा है आपका नरेश। अब इसमें पूछा जाएगा बताओ नरेश में कौन सी संधि होगा, परमेश्वर में कौन सी संधि होगा, कमलेश में कौन सी होगा, महेश में कौन सा होगा, राकेश में कौन सा संधि होगा। तो आप हम आपको बता दें कि आपको हमने बताया कि शब्दों के बीच में जो मात्रा दिखाई देगी वो मात्रा क्या होगी, एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा देखेंगे तो आप जानेंगे कि संधि कौन सी होगी, गुण संधि। अब ये टूटेगा, ये आपका क्या होगा नर और दूसरा क्या रहा ईश। आगे देखिए इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा परम और प्लस क्या होगा ईश्वर। अगर आपको मेल दिखाना हो तो इसका अ, इसका अ और इसका बड़ी ई, ये मिल करके बना देंगे बड़ा ए। कमलेश को तोड़ेंगे तो क्या होगा कमल और प्लस क्या होगा ईश। इसे तोड़ेंगे तो ये क्या होगा मह, शर्त नहीं होता है महा और प्लस क्या होगा ईश। राकेश तोड़ेंगे तो क्या होगा राका और प्लस क्या होगा ईश, कन्फर्म हुआ। अगर हम इसे तोड़ेंगे राख, अगर राख लिखते हैं क कर देते तब भी मात्रा मिलता, क्या करते थे ये गलत हो जाता, तब ये मह का दे मह कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी संधि टूटता है संधि हमेशा सार्थक खंडों में टूटता है, कन्फर्म होगा। ये सार्थक खंड आपको नहीं है पता निश्चित रूप से आप संधि को गलत कर जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं इसमें, कन्फर्म होगा। चलिए हम इसके दूसरे नियम पे कदम रखते हैं, जो दूसरा आपका है ओ, आ के बाद उ आता है तो परिवर्तन ओ में हो जाता है, ये किस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है। चल जैसे ये सब लिखा है विरोचित, ये सब लिखा है विरोचित, जैसे लिखा है मानवोचित, मानवोचित, जैसे लिखा है हितोपदेश, हितोपदेश। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए शब्द लिखा हुआ है, इसमें शब्द लिखा है आपका विरोचित, विरोचित शब्द लिखा है, आगे लिखा है मानवोचित, मानवोचित लिखा है, यहां पे शब्द लिखा है हितोपदेश। अब इस तीनों में पूछा जाए कि बताइए संधि कौन सी है आपकी, तो संधि कौन सी है, तो संधि को ध्यान से देखिएगा, विरोचित है, देखिए शब्दों के बीच में ओ की मात्रा, ये इसमें टूटेगा, तो ये हमारा क्या हुआ वीर और प्लस क्या होगा उचित। इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा मानव और प्लस उचित, ये तोड़ेंगे तो क्या होगा हित और धन क्या होगा आपका उपदेश। तो ये हमारी इस प्रकार से संधि रही, तो ही विरोचित में वीर और प्लस क्या होगा उचित, मानव प्लस उचित, हित और प्लस क्या होगा उपदेश। इस प्रकार से हमारी जो संधि होगी इसमें भी संधि कौन सी होगी, कौन सी संधि होगी, तो इसमें भी हमारी संधि होगी, वो संधि है गुण संधि, कन्फर्म हुआ। आगे मैं इस कुछ शब्दों पे और देखते हैं,
जैसे लिख दिया जाए सूर्योजा, लिख दिया गया नवोढ़ा। नवोढ़ा कई बार पूछा है नवोढ़ा में कौन सी संधि है, तो नवोढ़ा को ध्यान से देखिएगा, नवोढ़ा में कौन सी संधि है, सूर्योर्जा में कौन सी संधि है, तो नव सूर्योर्जा तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ओ की मात्रा है, शब्दों के बीच में ओ की मात्रा दी है, आ और आ और ऊ और ऊ में टूटेगा, तो ये हमारा क्या हुआ सूर्य और प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ होता है, अगर यहाँ छोटा ऊ लिख दें छोटा ऊर्जा वाला में छोटा ऊ लिख दें तो ये हमारा संधि गलत हो जाएगी। आगे देखिएगा नवोढ़ा में लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा नव और प्लस क्या होगा उढ़ा, उढ़ा में हमारा क्या होता है बड़ा ऊ होता है। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमारी ये संधि कन्फर्म हुआ। अगला देखिए अर पे लिखिएगा, अर का उच्चारण में जरा देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए देवर्ष राजर्ष, देवर्ष लिखा है शब्द। अब देवर्ष में पूछा जाए कि देवर्ष में कौन सी संधि होगी, तो देवर्ष में कौन सी संधि होगी, तो ये भी बहुत आसान है आपका, ऐसे आप आराम से कर सकते हैं कि देवर्ष में कौन सी संधि होगी, तो देवर्ष में देखिएगा हमने बताया कि अर का उच्चारण, यहाँ पे अर का उच्चारण राजर्ष, राजर्ष अगर आप लिखते हैं तो राजर्ष में क्या होगा अर का उच्चारण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देवर्ष में, और आके बाद क्या आएगा री आएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ देव और प्लस क्या रहा ऋषि, ये क्या रहा राज और प्लस क्या रहेगा ऋषि, ये तो आप इस तरीके समझिएगा कि इस संधि में किसका उच्चारण होता है अर का उच्चारण, जैसे कह रहे हैं देवर अर का उच्चारण, जैसे कह रहे हैं राजर अर का उच्चारण, तो आप देखिएगा इसका अगर मेल दिखा दिया जाए मेल का हुआ है तो राजा राज का अ और ऋषि वाले का री, ये मिलकर के हमारा क्या बना देंगे अर का उच्चारण बना देंगे, कौन से देंगे अर का बचा बना देंगे। तो अभी तक हमने संधि जो है इसका पार्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, तो पार्ट अभी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, जो फर्स्ट में हमने आपको इस चीज़ को पढ़ा कि ये हमारा पार्ट कौन सा है, तो पार्ट हमारा फर्स्ट है। कल हम नेक्स्ट जो है अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, और अगले पार्ट में हम आपको पढ़ेंगे ये वृद्धि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाद संधि, जो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, तो इन संधियों का अध्ययन हम अपने अगले वाले वीडियो में करते हैं।